आज बिदर फोर्ट में वार्ड नंबर 7 से रन फॉर सेफ्टी के लिए जो निकाली गई थी, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अंदाज में लोग पार्टिसिपेट किए हैं। मैं समझता हूँ 5,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आज ये पार्टिसिपेट करके अपना जो है ना रनिंग का मुजाहरा किए हैं। ये सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पुलिस डिपार्टमेंट ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ की है, मैं तमाम हमारे बिदर लोगों के वासियों की ओर से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आजकल नौजवान जो टू व्हीलर पर जो आड़ा टेढ़ा फिर रहे हैं, तो उसके लिए एक मैसेज है कि आप लोग सेफ्टी से घूमें और हेलमेट का इस्तेमाल करें और अपने माँ बाप की जो है ना सोच को मजबूत करें और अपन भी मजबूत होकर बिदर का नाम रोशन करें। मैं हॉकी कोच बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू खुद्दूस जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया एडमिनिस्ट्रेटर और SP को, दोनों को और पूरे बिदर के लोगों को मैं खासतौर मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ पूरे मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ जो हाईलाइट जो कर रहे हैं इसके लिए, और जो रन का जो पहली बार बिदर में हो रहा है इसका वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो गया हमारे बिदर का, जिन्होंने वार्ड नंबर 7 से जो किले से जो रोड शो निकाला गया, उसलिए ये हेलमेट के बारे में और सेफ्टी के बारे में, गाड़ी जो 3-3 मिल के बैठ के फिर रहे हैं उसके बारे में, और जो हमारे माँ बाप जो है ना हमको जो सिखाए उसके बगैर हम उसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए आपको माँ बाप का नुकसान मत कीजिए, अपना नुकसान मत कीजिए, अपनी जान का नुकसान मत कीजिए, और है ना इससे है ना हमारे बिदर के लिए बहुत खूबसूरती की बात है, बिदर के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और मैं यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेट और पूरे पॉलिटिक्स पूरे ऑर्गेनाइजर और जितने बिदर के पब्लिक है, मैं सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया। ये जो आज का प्रोग्राम था, सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ, 10 किलोमीटर रनिंग, 5 किलोमीटर रनिंग और 2.5 किलोमीटर रनिंग, इसका मेन मोटो था ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए। जो भी ट्रैफिक रूल्स है, एक गाड़ी पे 2-3 ज़्यादा नहीं बैठना, 2 से ज़्यादा नहीं बैठना, बगैर हेलमेट के नहीं रहना, तो ये चीज़ों के वास्ते रन फॉर सेफ्टी के लिए जो ना ये प्रोग्राम सबसे बीदर के अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम हो सकता है ये, और जिसमें 5,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा।